हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने यूडीसी नेट का फॉर्म फिल किया तो उसमें आप अपना ईमेल आईडी और जो आपका फ़ोन नंबर है वो कैसे वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल पर अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लीजिए और दूसरे टैब में यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए नेट की, उसमें जो यूजीसी नेट का लिंक है तो यहाँ पर ये लिंक है। फिलहाल वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सो ये यूजीसी नेट जून 2020 का होम पेज, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट जून 2020। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ लॉगिन करने के लिए डिटेल्स मांगेगा। अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है तो यहाँ से आपने जो भी अपनी डिटेल्स है यहाँ फिल करके आपने लॉगिन करना है। तो फिलहाल हमने पहले से रजिस्टर किया है, यहाँ कैप्चा फिल करके सिक्योरिटी पिन फिल करके मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है वो ग्रीन कलर में शो करेगी। तो फिलहाल यहाँ पेमेंट पेंडिंग है इसलिए ऐसा शो कर रहा है, तो मैं फिलहाल होम पर जा रहा हूँ जिसमें आपकी पूरी डिटेल शो करेगा। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन डन है, एप्लीकेशन फॉर्म डन है, इमेज अपलोड हो चुकी है, पेमेंट पेंडिंग है और ये स्टेप्स कंप्लीट है। अभी यहाँ पर वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो आपका फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर पहले तो आपको फिल करना होगा ये देखिए फ़ोन नंबर जो यहाँ पर है, सिक्योरिटी पिन करना होगा। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें, गलती से आपने कोई और फ़ोन नंबर दे दिया है या आपसे जो फ़ोन नंबर फिल किया था कोई आपने उसमें जो डिजिट है वो गलत फिल कर दिया, वो आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल सारा डन है, सिक्योरिटी पिन फिल करके मैं सेंड ओटीपी करता हूँ। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया था उस पर ओटीपी जाएगा। फिलहाल ओटीपी मुझे आ गया, मैं यहाँ पर ओटीपी फिल करता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद आपने यहां से वेरीफाई करना है। अगर आपका कोड ना चाहिए आपके फ़ोन नंबर पर आप यहां से रीसेंड कर सकते हैं। सो यहां से मैं वेरीफाई करता हूं। वेरीफाई करने के बाद यहां देखिए वेरीफिकेशन इज़ नो लॉन्गर ऑन, तो मैं यहां से रीसेंड करता हूं कोड। रीसेंड करेंगे तो फिर से आपके जो फ़ोन नंबर जो आपने फिल किया है अपने फॉर्म में जिसके लिए स्टार्टिंग और एंडिंग में ये आ रहा है, तो यहां पर मैं फिर से वो कोड फिल करता हूं जो मुझे आया मेरे फ़ोन पर। तो फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए आ गया कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। तो मैं होम पे क्लिक करता हूँ फिर से, तो यहाँ पर देखिए फ़ोन नंबर वेरीफिकेशन हो चुकी, यहाँ पर आ भी गया वेरीफाइड। अब ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है तो मैं यहाँ पर फिर से ये सिक्योरिटी पिन है यहाँ पर फिल करूँगा, जैसे मैंने फ़ोन जब नंबर फिल ऊपर शो कर रहा था उसके टाइम किया था। सेम यहाँ से सेंड ओटीपी करेंगे। अगर आप जो ईमेल आईडी है चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ से देख लेते हैं कहाँ पर आया, तो उसको आप यहाँ से करेंगे। जो आपको यहाँ पर एक कोड आएगा वो आपने कोड वहाँ पर फिल करना है, कई बार थोड़ा टाइम लग जाता आने के लिए। तो फिलहाल यहाँ तक अभी नहीं आया, यहाँ हम देखते हैं, कई बार लिटिल बिट टाइम लग जाता है। अगर आपको कोड ना आए तो आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर रीसेंड कोड कर दीजिए। जब आप रीसेंड कोड करेंगे फिर से यहाँ से मैसेज आएगा आपके यहाँ पर, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कोड आया या नहीं आया। तो कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है कोड आने के लिए, तो यहाँ पर फिलहाल कोई कोड नहीं आया अभी तक। तो अगर आपका भी कोड ना आए तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद ट्राई करें तो आपका कोड आ जाएगा। बिकॉज ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस जो इनकी प्रोसेस है थोड़ी सी स्लो है, इनका सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो फिलहाल फ्रेंड्स अभी ये कोड नहीं है, तो ऐसे आप जो अपनी ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई कर सकते हैं और जो आपका फ़ोन नंबर है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, वेरीफाई करने से पहले आप अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं। एक बार आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होगी देन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो ये थोड़ा याद रखिएगा। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपने ईमेल आईडी जब वेरीफाई करते हैं, जो आपका यहाँ पर सिक्योरिटी पिन होता है नीचे लिखा होता है सेंड ओटीपी और चेंज, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं सेम अपनी ईमेल आईडी और जो आपका वहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुझे आ गया है यहाँ जो ओटीपी था, यहाँ पर ओटीपी मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि ओटीपी है क्या। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी आ गया, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप इसको मैनुअली भी फिल कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है, फिर से हम यहाँ से रीसेंड करते हैं तो यहाँ से फिर से कोड आएगा, देखते हैं। तो अभी तक फ़िलहाल नहीं आया, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है। यहाँ पर आप करेंगे आपका कोड आ जाएगा और आप उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर ये कोड देखते हैं कितने बजे आया, ये भी फिलहाल लेट आया कोड, एक बार इसको भी भर के देख लेते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बार बार फिल कर रहे हैं कर सकते हैं, कोई ऐसी
कोई इश्यूज़ नहीं है कि आप बार बार फिल कर रहे हैं, लॉक हो जाएगा फॉर्म, ऐसे कुछ नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अभी मुझे नहीं आया तो मैं इसको बाद में फिल कर लूँगा। फ्रेंड्स ऐसे आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। उसको करके देखिए, फ्यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो डैट इन फ्यूचर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।